हरे कृष्ण आम्रा सब समय शुने थाकी हरे कृष्ण महामंत्र अत्यंत मधुर। हरे कृष्ण महामंत्र एत मधुर किछु किछु भक्तदेर काछे खुबी मधुर बोले मने हय, किन्तु प्रैक्टिकली जखन आम्रा हरे कृष्ण महामंत्र जप करी तखन माझे माझे आमादेर के सेई हरे कृष्ण महामंत्र मधुर बोले मने हय ना। तार कारण शास्त्रे उल्लेख करा हुए छे, जेमन अनेक सुस्वादु खाद्य रंधन करार परेओ जदि आपनार सेटा सुस्वादु ना लागे ताहले बुझते हबे जे आपनार जंडिस हुए छे। साधारणत जंडिस अथवा ज्वर होले खाद्ये रुचि थाके ना, एवं तखन अत्यंत सुस्वादु खाद्य जदि आपनाके देया हय आपनार काछे सेटा सुस्वादु लागे ना, कारण आपनार ज्वर हुए छे। तार माने होच्छे खाद्येर कोनो दोष नहीं, दोष होच्छे व्यक्तिर असुस्थतार। तो व्यक्ति असुस्थ होले जेमन खाद्य अत्यंत सुस्वादु होलेओ सेई खाद्य तार काछे सुस्वादु बोले मने हय ना, ठीक तेमनी हरे कृष्ण महामंत्र अत्यंत मधुर होलेओ जादेर अज्ञानता अथवा अविद्यारूपी पांडु रोग रयेछे तादेर किन्तु हरे कृष्ण महामंत्र मधुर लागबे ना। तबे सेई हरे कृष्ण महामंत्र मधुर लागबार जन्नो प्रसेस देया हुए छे ताके, किन्तु आदरात अनुदिनम खुलुसेई वजुष्टा सब्दी क्रमात भवती तद्गदो मूलहंती। किन्तु प्रतिदिन जत्न सहकारे केउ यदि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे এই মহামন্ত্র কীর্তন করেন এবং জপ করেন, তাহলে তার সমস্ত প্রকার অবিদ্যা তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার জিহ্বায় আবার এক স্বাদের প্রকাশ হবে এবং সে পুনরায় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের মধুরতাকে উপলব্ধি করতে পারবে। হরে কৃষ্ণ।